हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह आपको जय शिव शंकर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज गए हैं। तो सुबह सुबह अभी जैसे अपना पूजा पाठ का काम होता है और घर में थोड़ा पोछा वगैरह लगाना होता है, तो मैं पता ही है, देखा होगा आपने पिछले ब्लॉग में। तो सुबह के काम थोड़ी मैंने स्किप करे हैं, तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के 10 बजे। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी जा रहा हूँ मैं अपने हेयर कट करवाने, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए हैं और दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हो गई, इसको भी सेट करवाना है। मूछें लिप्स के ऊपर आ रही हैं ये, तो इनको भी सेट करवाएंगे। कुछ अजीब सी लग रही है अब तो। अभी जस्ट यहाँ पे भी लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है, मुझे भी ज़्यादा प्रॉपर पता नहीं है कि कैसे क्या है, लेकिन हमने फ़ोन किया था बार्बर को, तो बार्बर की दुकान खुली हैं। तो अभी जाते हैं हेयर कट करवाते हैं और बाकी देखते हैं, मार्केट वगैरह भी कर लेंगे, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैं भी मार्केट जा रहा हूँ। तो पहले चलते हैं हेयर कट करवाने, देखते हैं हेयर कट हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम दुकानें खुली होंगी और मैक्सिमम नहीं खुली होंगी। तो देखते हैं, मिलता है कोई बार बार तो हम कटवा लेते हैं। जो मतलब हमारा खास बंदा है उसको तो हमने फ़ोन किया था, वो तो कह रहा था कि मतलब शाम तक ही होगा, तो शाम को फिर हमें कल, फिर आज वेडनेसडे है, तो कल थर्सडे को फिर हम बाल कटवाते नहीं हैं। बड़े कहते हैं कि थर्सडे को बाल नहीं कटवाने, जैसे ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, ये जो दिन है इनमें बाल वगैरह काटना, नाखून वगैरह काटना मनाही होती है, ज़्यादातर बंदों को पता ही होगा। तो देखते हैं, अभी करवाते हैं हेयर कट, कहीं बार बार मिल जाए। अभी यहाँ से है दूर थोड़ा राजपुर, वहाँ पर देखते हैं दुकान कोई। तो चलो आज बने रहो आज मेरे साथ इस ब्लॉग में, और हाँ भाई एंड तक बने रहना। तो चलो मिलते हैं। हेयर कट करवा दिया है, अभी मेरे दोस्त की नंबर लगा हुआ है अभी, तो मेरा तो हो गया। मैंने दाढ़ी जो है बिल्कुल ही बारीक करवा दी, क्योंकि भरोसा नहीं है ना, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा, एक तो अपनी घर की खेती है यार, हो ही जाएगी जल्दी, कुछ इस तरह की लुक लग रही है। मूछें रख लिया, मूछें तो तुम्हें पता ही है शान ही है तुम्हें, तो कुछ इस तरह का न्यू लुक है। अजीब सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान है ना, तो थोड़े कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर के चक्कर में मुंह थोड़ा छोटा लग रहा है। पता नहीं कैमरे में सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ देखते हैं अभी। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि ऑन पब्लिक प्लेस में मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो देखते हैं अभी। नहीं तो नेचुरली कभी गाड़ी के अंदर करता था, या कभी ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट ले लिया, बोलता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ राजपुर में, राजपुर मतलब यहाँ पर ये दुकान है बार्बर की। चलो देखते रहो भाई, हेयर कट करवा रहे हैं अभी। भाई छत के ऊपर स्विमिंग पूल बना रखा है पूरे विक्की भाई ने। ये क्या भाई, कई टायर के रखे आए, टायर मतलब कूड़ा अंदर नहीं जाएगा, फिर जट ही खराब हो जाना लेंटर थोड़ा। गाइस वैसे जुगाड़ अच्छा है, ये जुगाड़ अच्छा है भाई साहब, ये पाइप ब्लॉक ना हो जाए, फिर भी तो जा रहे हैं अंदर कुछ ना कुछ। तो कुछ इस तरह का दिखता है राजपुर शहर, काफ़ी डेवलप हो चुका है ये अभी। और ये विक्की भाई अपने छत पे पूरा घूमते हुए, और ये बीच चौक में पूरा पीपल का पेड़ बीच चौक में, काफ़ी पुराना है ये। और भाई मौसम तो फिर से आ गया, पूरा गड़क रहा है ये। गाइज आज पूरा सुबह से पूरा रगड़ा लगा हुआ, हालत टाइट हो चुकी है पूरी, पूरा घर की सफाई चली हुई है आज, मतलब सफाई डे है पूरा। तो
तो देखते हैं, अभी अभी बहुत काम है, अभी हॉल की सफाई हुई है, अभी बाकी कमरों में पूरा झाड़ू पोछा करना है। तो सुबह आज मतलब हालत ख़राब है, पसीना भी पड़ गया। तो देखते हैं, अभी अभी बरामदे और आंगन की करते हैं सफाई, अपने रूम की हो चुकी है, हॉल की हो चुकी है, रसोई की हो चुकी है, अभी करते हैं पूरे आंगन और बरामदे की, हॉलों की क्यारी की, और गाड़ी भी साफ़ करने को, तो वो भी ओबियसली करनी ही पड़ेगी साफ, क्योंकि आजकल तुम्हें पता ही है। देखते हैं, अभी अगर बाहर धुलवाएंगे तो बाहर ले चलेंगे, अगर खुद इधर है ये वैसे पानी साथ में ही है तो आप खुद ही धो लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बने रहो, आज पूरे हालत टाइट है भाई, मुश्किल आज, पर ये करना भी चाहिए। तुम आपने पिछली वीडियो में देखा ये होगा कि घर में अंदर सांप वगैरह घुस आए थे, तो झाड़ू पोछा वगैरह लगाना मतलब ज़रूरी है, वो नीचे सोफ़ा वगैरह हटा के बेड वगैरह नीचे, क्योंकि आजकल बरसात पूरी उतर आई है, बारिश हो ही रही है, तो जो वो जंगली जानवर होते हैं, जो भी सांप वगैरह है, वो सूखी जगह को जाने की कोशिश करते हैं, तो इसके कारण जो है वो घर का मतलब ये भी हो जाता है। एक तो वैसे भी उसी चीज़ का मम्मी इनको डर था कि, तो मम्मी इसलिए कह रहे थे कि बेटा ये सभी उठाने हैं और साफ़ करने हैं, तो लगे रहते हैं, और क्या, आज तो पूरी आर्मी वाला रगड़ा लगा हुआ है। तो चलो बने रहो अभी मेरे साथ, अभी करते हैं आंगन और बरामदे की सफाई। गाड़ी की हालत देखो, पूरी साफ करनी पड़ेगी, ये इसके ऊपर पूरी बरसात ही गिर गई है। तो गाइज, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आप मेरा कोई भी ब्लॉग मिस ना करें। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। राजपुर में काफ़ी पुराना रिश्ता है हमारा, क्योंकि हमने सारी एजुकेशन ही राजपुर में की हुई है। राजपुर गवर्नमेंट स्कूल में हमने स्कूल एजुकेशन की हुई है, फिर राजपुर कॉलेज में भी हम इधर पढ़े हुए हैं, तो मतलब राजपुर हम नौकरी भी नहीं लगेगी और